सो गाइज, आज की जो वीडियो है बिगनर यूट्यूबर्स के लिए जो माइक को लेके काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं, कौन सा माइक लें, कौन से कैमराज लें वगैरह वगैरह। तो आज की जो वीडियो है माइक के लिए है, क्योंकि ऑडियो आपकी वीडियो में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। ऑडियो अगर अच्छा है तो ही आपकी वीडियो की क्वालिटी पता चलती है। नॉर्मली आप फोन से रिकॉर्ड करें या फिर कैमरे से रिकॉर्ड करें, लेकिन ऑडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है दोनों जगह, चाहे आपके पास फोन हो या फिर हो कैमरा। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ माइक दिखाने वाला हूँ जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ और इनसे मैं काफ़ी अच्छी ऑडियो क्वालिटी लेता हूँ। करंटली जो ऑडियो रिकॉर्ड मैं कर रहा हूँ वो मोनो के इस वायर्ड माइक्रोफोन का ऑडियो मैं यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे जो करंटली ऑडियो आ रही है इसी माइक्रोफोन से आ रही है, और मैंने कुछ वीडियोस में बोया M1 माइक्रोफोन का भी यूज़ किया है, और पिछली कुछ पुरानी वीडियोस में मैं बोया M1 माइक का यूज़ करता था। लेकिन उस बोया M1 माइक्रोफोन और यहाँ पर मोनो के इस माइक्रोफोन में डिफरेंस ये है कि बोया M1 का वायर काफ़ी लंबा उन्होंने दे रखा है, जिसमें आप दूर रखे कैमरा भी यूज़ कर सकते हैं आसानी से, लेकिन मोनो ने काफ़ी वायर छोटा दे रखा है, इसकी वजह से थोड़ी वायर की लेंथ को लेकर दिक्कत है। लेकिन ऑडियो क्वालिटी में कोई अंतर नहीं है, और ये माइक बोया M1 माइक के मुकाबले काफ़ी सस्ता है। मैं आपको डायरेक्ट परचेजिंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप इसकी प्राइसिंग और डिफरेंस दोनों के रेट में देख सकते हैं, और वहां से आप चाहें तो इसे परचेस कर सकते हैं। और बात कर लेते हैं मेरे वॉइस ओवर माइक की, जिससे मैं वॉइस ओवर करता हूं, जो मेरे कंप्यूटर लैपटॉप से परमानेंट कनेक्ट होता है। तो यहां पर मैं मोनो का ही AU-A04 यूज़ करता हूँ, जो कि काफ़ी अच्छा USB माइक्रोफोन होने की वजह से इसमें ऑडियो क्वालिटी काफ़ी अच्छी आती है, और इसके लिए आपको कोई एक्सटर्नल ड्राइवर वगैरह डालने की भी ज़रूरत नहीं, अपने लैपटॉप या PC में डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है, और काफ़ी ईजी है इसे यूज़ करना, और इसकी ऑडियो क्वालिटी तो बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। मैं अगर बोलूं कि इस रेंज में इससे सस्ता कोई माइक्रोफोन नहीं है, ऑनलाइन अवेलेबल ही नहीं है, इस क्वालिटी रेंज में सबसे सस्ता माइक्रोफोन यही है, AU-A04 सबसे सस्ता माइक्रोफोन है करेंटली, और ये काफ़ी बेस्ट भी है। और अगर आपके पास पैसे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इस टाइप का या फिर शॉटगन माइक या फिर इस टाइप का वायर वाला माइक में पैसे इन्वेस्ट ना ही करें तो अच्छा है, आप डायरेक्ट वायरलेस की तरफ जाएँ, और वायरलेस में काफ़ी अच्छे अच्छे माइक्रोफोन आते हैं जो कि सस्ते भी हैं, 4,000 से 5,000 रुपये में भी कुछ माइक्रोफोन मिल जाते हैं आसानी से। अभी मैंने एक माइक्रोफोन ऑर्डर किया है जो आई होप कि जल्द आ जाएगा, तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा, और वो वायरलेस माइक्रोफोन है जो मुझे अप्रॉक्स 4,000 का पड़ा, और काफ़ी अच्छी ऑडियो क्वालिटी होने वाली है आई थॉट उसकी। अब आने के बाद ही मैं आपको बता पाऊंगा कि उसकी ऑडियो क्वालिटी क्या है, लेकिन अब मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आपके पास पैसे हैं तो आप वायरलेस में स्विच करें, कभी भी आप ऐसे वायर वाले माइक्रोफोन पर ना जाएँ, ये काफ़ी ज़्यादा बल्की हो जाता है, कैमरे में कनेक्ट करो, एक वायर लगी रहती है हमेशा कैमरे से आप तक और वगैरह वगैरह। तो अभी जो माइक्रोफोन से मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मोनो का ये छोटा वायर वाला माइक्रोफोन है, और मैं स्विच कर लेता हूँ बोया M1 माइक्रोफोन पे, जो कि हमारा ये शॉटगन माइक्रोफोन है, और ये भी ठीक ठाक वर्क करता है, लेकिन एक्चुअल में इसमें दिक्कत क्या होती है, कैमरा अगर दूर है और आप थोड़े दूर से धीरे धीरे बोल रहे हैं तो थोड़ा सा इसमें नॉइस और आपकी ऑडियो थोड़ी दब जाती है, और अगल बगल कोई नॉइस हो रही है, फ़ैन चला है या फिर कुछ वैसा हो रहा है तो उसकी नॉइस भी इसमें काफ़ी ज़्यादा कैप्चर हो जाती है। लेकिन अगर वायर वाला माइक्रोफोन है वो आपके यहाँ पर कॉलर में लगा रहता है तो उससे काफ़ी अच्छी ऑडियो आती है। तो अभी मैं तो अभी स्विच करते हैं। सो गाइज, अभी हम स्विच कर गए हैं बोया M1 माइक्रोफोन पे, इस माइक्रोफोन से जो भी अभी रिकॉर्डिंग हो रही है इस माइक्रोफोन से हो रही है, और M1 जो हमारा मोनो का है इसका पिन मेरे हाथ में है, अभी हमने इसे निकाल लिया है और माइक्रोफोन लगा हुआ है, और अभी इसकी ऑडियो क्वालिटी आप देख सकते हैं। तो मैं आपको एक सैंपल दिखा देता हूँ अपने इस टेबल वाले माइक्रोफोन का, जो कि एक प्रोफेशनल माइक्रोफोन है और ये काफ़ी अच्छा वर्क करता है, जिससे मैं वॉइस ओवर करता हूँ। तो अभी इसका सैंपल आप देख लीजिए। अभी ये जो ऑडियो आ रही है ये USB माइक्रोफोन से आ रही है, और अगर आपने हमें अब तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। सो अभी आपने जो ये सैंपल सुना है ये हमारे टेबल माइक्रोफोन का है, जो कि USB वाला माइक्रोफोन है, और इससे काफ़ी अच्छी ऑडियो रिकॉर्डिंग होती है। सो गाइस, आप बताइए आपको कौन सा माइक इसमें से पसंद आया है, और आप कौन सा माइक इसमें से लेना चाहते हैं, और अगर आपके पास किसी और माइक के बारे में कोई नॉलेज है जो कि सस्ते रेंज में और काफ़ी अच्छी ऑडियो क्वालिटी देता है, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि हम उस माइक्रोफोन को भी टेस्ट करें और अपने सब्सक्राइबर तक उस माइक्रोफोन के बारे में भी बात पहुंचाएं। सो गाइस, मिलते हैं किसी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू फॉर वॉचिंग।